हमारा इसमें तुम की इंग्लिश यू। अब तुम यू के साथ जो है हम हैव का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमने हैव ले लिया, फिर तुम की इंग्लिश यू ले ली, फिर यू के बाद क्या आएगा, बीन, यानी इन शॉर्ट हैव बीन और हैज बीन के बीच में हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हैव यू बीन। अब आइए हमारी वर्ब, वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें, क्या क्रिया हो रही है, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। हैव यू बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, 2 बजे से। अब 2 बजे क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ टाइम का एग्जैक्ट पता चल रहा है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए से की इंग्लिश क्या आएगी हमारी, सिंस 2 o'clock। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब मैंने आपको जो है इसकी तीनों बता दी हैं सेंटेंस, अभी आपको ये अच्छे से पढ़ना है और कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, वो आपको वो एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।